प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 408 रिकॉर्ड किया गया। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के 24 इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। CPCB के आंकड़े दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर बता रहे हैं। सफर ऐप की बात करें तो इसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का आंकड़ा बेहद खराब स्तर पर है। से चले इधर थोड़ा सांस में थोड़ा सा तकलीफ जैसा लगता है। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है चलने में, अभी पूरा दिन देखेंगे अभी क्या होता है। दिल्ली कितने दिन गुम हो गया? आज के दिन ही। तो नहीं रुकोगे अब? क्यों, पर प्रदूषण की वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम जाने वाले हैं। तो सुना आपने, लोग यहाँ पर अपनी राय देते हुए नजर आ रहे हैं कि दिक्कतें कितनी हो रही है प्रदूषण बढ़ने से। सांस लेने में समस्या हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और अस्थमा के जो मरीज हैं उनकी संख्या किस तरह से बढ़ गई है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो विजिबिलिटी कम हो गई है। यूपी या नियर बाय लक्ष्मी नगर। पोल्यूशन तो बहुत है, पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जैसे कि नियर बाई राज्य हैं जैसे पंजाब है, हरियाणा है, मतलब ये है उनका, जैसे कि हवा चलती है सारा पोल्यूशन दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है, पोल्यूशन है, आँखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, ये बहुत ज़्यादा है। जो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने टावर बनाए हैं स्मोक टावर, उनमें खर्चा भी आया पर वो चल नहीं रहे। अगर शायद वो चल जाए तो प्रदूषण थोड़ा कम हो सकता है। तो तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो ज़्यादा होती है मैम ऐसे में, पोल्यूशन में सांस लेने में दिक्कत, आँखों में जलन, मतलब हम लोग यहाँ आते हैं तो ज़्यादा ही कुछ पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप क्या कर रहे हो बचने के लिए? बचने के लिए क्या, ये अंगूठा इससे मुँह ढकते हैं, कभी कभी उड़कते हैं, इसमें भी सांस लेने में दिक्कत आती है। तो पॉल्यूशन की वजह से आंखों में जलन, इसकी वजह से सांस लेने में तो दिक्कत आएगी आएगी। तो जब या तो बारिश पड़े या फिर स्मोक टावर ये चालू हो जाए तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, या बारिश पड़े तो पॉल्यूशन कम हो सकता है, या तो हवा चले और बारिश हो पॉल्यूशन जब ख़त्म हो सकता है। ऐसे तो नहीं, जो ओडीवन चलाते हैं दिल्ली में, या तो वो गाड़ियाँ कम करें, जैसे कि एक दिन बाली कर दे, उससे थोड़ा पोल्यूशन में कमी आई, बस इतना ही। तो सुना आपने किस तरह से प्रदूषण से आम जनता परेशान हो रही है, अपनी समस्याएं यहां पर बता रही है। और प्रदूषण को लेकर ही हमारे सहयोगी तरुण ने भी जायजा लिया है, वो आपको दिखाते हैं।